ये स्मार्टफोन सिर्फ 18,000 रुपए में इस साल की बिग बिलियन डेज में बिकने वाला है। पर क्या ये बेस्ट स्मार्टफोन होगा इस प्राइस के अंदर, क्योंकि काफी ज्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है। लाइक मोटो एच 40 नियो भी है एंड वीवो टी 2 प्रो भी है, दोनों काफी मस्त स्मार्टफोन है। बट ये रियलमी 10 प्रो प्लस क्या है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वो सब मैं आपको बताऊंगा। बस आप एक काम करो, नीचे सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा उसको दबा लो। सबसे पहली चीज जो कि आपको इसके बिल्ड और डिजाइन में देखने मिलेगी कि ये काफी ज्यादा पतला है एंड लाइट वेट भी काफी ज्यादा एंड काफी हल्का फील होता है। एंड वो इसलिए भी शायद क्योंकि इसका बैक प्लास्टिक से बना हुआ है। 18,000 के हिसाब से प्लास्टिक बैग चल जाएगा, क्योंकि पकड़ने में ओवरऑल काफी प्रीमियम फील होता है। एंड प्रीमियम की सबसे बड़ी निशानी, नो हेडफोन जैक नहीं मिलता इसमें, कनेक्टर लगा लो या फिर वायरलेस TWS आप यूज कर सकते हो। लेकिन अब इस स्मार्टफोन की सबसे बड़ी हाईलाइट, वो इसका डिस्प्ले। आपको और याद हो तो ये पहला स्मार्टफोन है जो कि कर्व डिस्प्ले लेके आया था इस प्राइस रेंज के अंदर। एंड मैं 25,000 की बात कर रहा हूं, अभी तो ये 18,000 में मिल रहा है। एंड सही में कर्व डिस्प्ले काफी मस्त लगता है। बहुत सारे लोगों ने मुझे अभी तक कॉम्प्लीमेंट किया कि भाई कौन सा फोन है बहुत मस्त लग रहा है। एंड आई एम लाइक यूट्यूब पे उत्पल पांडे, चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी। लेकिन ये जो कर्व डिस्प्ले, ये और भी सुंदर इस वजह से लगता है क्योंकि यहाँ पर जो बेजल्स है वो काफी ज्यादा पतले, 2.3 mm जितने पतले। साइज में कोई प्रॉब्लम नहीं, छोटा नहीं है, 6.7 inch की डिस्प्ले, FHD+ रेजोल्यूशन है एंड HDR10+ भी सपोर्ट करती है। बट कर्व के अलावा इसकी एक और बड़ी स्पेशलिटी है, वो है PWM डिमिंग। 2160Hz की PWM डिमिंग देखने मिलती है। शॉर्टकट में आंखों के लिए अच्छा होता है एंड फ्लिकर कम करता है जब आप ब्राइटनेस कम करते हो। डिस्प्ले AMOLED है तो कलर्स वगैरह काफी मस्त देखने मिलते हैं एंड ब्लैक्स भी काफी अच्छे आते हैं। एंड कर्व डिस्प्ले 120Hz AMOLED इन सब का ऑप्टिमाइजेशन काफी अच्छा है एंड वन ऑफ द बेस्ट है, क्योंकि लगभग मैंने इसको 9 महीने यूज किया एंड मिस टचेस काफी कम देखने मिलते हैं। सो क्लियरली वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले जो कि आपको इस प्राइस में देखने मिलेगी 18,000। लेकिन परफॉर्मेंस का क्या, उसमें क्या चल रहा है? तो देखो, जो प्रोसेसर है वो MediaTek Dimensity 1080 है, जिसको अगर मैं 7000 सीरीज के इक्विवेलेंट में करूं तो 7050 आता है। अंतुतु स्कोर इसका 5 लाख के करीब देखने मिलता है, तो इससे आपको थोड़ा अंदाजा चल जाएगा कि थोड़ा मिड रेंज टाइप का ही आपको परफॉर्मेंस देखने मिलता है। एंड यस, अगर आप और परफॉर्मेंस चाहते हो तो आपको और भी फोन्स देखने मिल जाएंगे जो कि ये ऑफर करते हैं। लाइक Infinix GT10 Pro है, वो काफी अच्छी परफॉर्मेंस आपको ऑफर कर देगा इस प्राइस में। पर आप अगर एक बैलेंस्ड एक्सपीरियंस चाहते हो, लाइक मैंने भी 9 महीने से यूज किया एंड मुझे कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं देखने मिली, मल्टीपल एप्स अच्छे से चल जाते हैं, नॉर्मल टास्क काफी अच्छे से होते हैं, गेमिंग भी अच्छी होती है। आप यहाँ देख सकते हो काफी अच्छे तरीके से स्मूथली गेम चल रहा है एंड BGMI में स्मूथ प्लस एक्सट्रीम सेटिंग्स पे आप लोग खेल सकते हो, यानी 60 FPS की गेमिंग अच्छे से चल जाती है। तो परफॉर्मेंस में एक मॉडरेट यूजर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आप अगर हैवी यूजर हो, गेमर हो, तो फिर आप गेमिंग फोन्स की तरफ जा सकते हो, लाइक मैंने बताया Infinix GT10 Pro एंड Tecno Camon 20 Pro। तो परफॉर्मेंस में एक मॉडरेट यूजर के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कैमरा में क्या, फोटोज तो लेनी है लेकिन वो कैसी आती है? तो यहाँ जो प्राइमरी कैमरा है वो 108 MP का Samsung HM6 सेंसर है, जो कि एक अच्छा सेंसर है। कुछ फोटोज आप यहाँ देख पा रहे हो जो कि मैंने इसके प्राइमरी कैमरा से ली है एंड आप देख सकते हो काफी ठीक ठाक फोटोज आती हैं, देखने में अच्छी लग रही है, कलर्स वगैरह स्पेशली काफी ज्यादा वाइब्रेंट है एंड वो अच्छा लग रहा है। लेकिन एक चीज ऑनेस्टली मैं बता दूं कि आपको इस प्राइस में जो बेस्ट कैमरा देखने मिलता है वो ये नहीं है। एंड ये जो 25,000 की जो प्राइस रेंज है, इसमें मोस्ट ऑफ द फोन जो अभी निकल रहे हैं वो बहुत ही बकवास कैमरा से आ रहे हैं। लाइक पहले जो Realme 9 Pro Plus था, उसका कैमरा इससे काफी ज्यादा बेटर था। एंड चाहे आप मोटो एज 40 नियो ले लो या फिर Vivo T2 Pro ले लो या फिर लावा अग्नि 2 ले लो, इन सब का कैमरा काफी ज्यादा सिमिलर है एंड इनमें ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन एक फोन है जिसका कैमरा आपको काफी ज्यादा पसंद आएगा, वो है Redmi Note 12 Pro। क्लासिक 50 MP का Sony IMX766 वाला सेंसर है विथ OIS, जो कि काफी अच्छा हो सकता है इस प्राइस में। पर ये तो बात हमने रियर कैमरा की, फ्रंट कैमरा का क्या है? 16 MP का फ्रंट कैमरा देखने मिलता है एंड सेल्फीज आप देख सकते हो, सेल्फीज अच्छी आती है, कलर्स वगैरह काफी मस्त है एंड डिटेल भी अच्छी है। तो मेरे हिसाब से ये Realme 10 Pro Plus एक अच्छा चॉइस हो सकता है अगर आपको ये 18,000 के रेंज में Flipkart के ऊपर देखने मिलता है, जिसके चांसेस लगभग कंफर्म ही है मान लो, तो हाँ काफी एक अच्छी डील हो सकती है। एंड हाँ, Moto H40 Neo भी अच्छा है एंड Vivo T2 Pro भी अच्छा है, लेकिन वो थोड़े ज्यादा महंगे, आप ज्यादा पैसे दोगे तो आपको ज्यादा बेटर फोन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप मुझसे पूछो कि मुझे कौन सा लेना है, तो मेरे प्राइस में जो मुझे सूट करेगा मैं वो ले लूंगा। लाइक ज्यादा पैसे दोगे Vivo T2 Pro के लिए तो उसमें एक बेटर परफॉर्मेंस डेफिनेटली मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। बाकी मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ आपको ये वीडियो कैसी लगी, पसंद आई होगी तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब के लिए 2 बार बोल चुका हूँ तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दो। मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।